ओम शांति। आज का विषय है एक छोटी सी अति सूक्ष्म आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंद है। साकार मुरली 23 जुलाई 2024। इस महावाक्यों पर आधारित आज हम करेंगे मेडिटेशन। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान सांसों के तरफ। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के दो लोब्स के बीच में एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं, परमपिता परमात्मा के प्यारी संतान हूं। मैं आत्मा परमधाम घर में बीज रूप, जिस पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ दिव्य सितारा, यह है मेरा अनादि बिंदु स्वरूप। सत्ययुग में आदि देवता स्वरूप, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। आए द्वापर में पूज्य स्वरूप, मंदिरों में स्थित पूज्य स्वरूप, संगम पर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी ब्राह्मण स्वरूप, उड़ता हुआ सकाश देता हुआ फरिश्ता स्वरूप। चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर।
मूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे आत्मा अति सूक्ष्म है। इतनी सी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंद है। सतयुग के 8 जन्म, त्रेता के 12 जन्म, द्वापर के 21 जन्म, कलयुग के 42 जन्म और एक संगम युग का जन्म। इतनी छोटी सी अति सूक्ष्म बिंदु स्वरूप आत्मा में 84 जन्मों का पाठ रिकॉर्डेड है। अठारह जन्मों का हुआ ये खेल पुराना है। सतयुग पे कलयुग का ये संगम सुहाना है। सत्य शिवन सत्यम शिवम सुंदरम अब घर जाना है। शिवम सुंदर का
ये वंडर की बात है कि अति अति सूक्ष्म आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्डिंग है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तल में अवतरित होकर हमें ये सत्य ईश्वरी ज्ञान समझाते हैं। आत्मा कभी बड़ी या छोटी नहीं होती है, वो प्योर या इम्प्योर होती है। बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन खुशहाल कर दिया। खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। आपने हम तो थे गफलत में आके
प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। इस छोटी सी अति सूक्ष्म आत्मा में 84 चलमों का पाठ रिकॉर्डेड है, नूंद है। इसका रिकॉर्डिंग संगम युग में होता है। संगम युग में आत्माएं जो कर्म करती हैं, जो संस्कार बनते हैं, वो पूरा आत्मा रूपी सीडी पर रिकॉर्ड होते हैं। ये रिकॉर्डिंग अविनाशी है। संगम युग की है बेला सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम युग का समय कल्याणकारी है, वरदानी है। संगम युग का समय कल्याणकारी है, वरदानी है। संगम युग में ही कर्म और संस्कारों का रिकॉर्डिंग आत्मा रूपी सीढ़ी पर होता है। संगम युग की है बेला सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। आ, 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 आ,
संगम की बेला है सुहानी, संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते, संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते, सुनाते हैं मीठी वाणी, सुनाते हैं मीठी वाणी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते, संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते, मिलन मिला इसकी निशानी, मिलन मिला इसकी निशानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। हीरे जैसा जीवन है मिलता, दिव्य गुणों से जीवन खिलता, हीरे जैसा जीवन है मिलता, दिव्य गुणों से जीवन है खिलता, सत्य नारायण की है कहानी, सत्य नारायण की है कहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी,
समय है बड़ा वरदानी, संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी, संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।